नमस्कार विद्यार्थियों गणित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांच के गणित जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर गणित के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे थे अध्याय दो जैसे कि आप देख सकते हो कि अध्याय दो क्या है संख्याओं के साथ जोड़ एवं घटाव करना इस अध्याय में यह सीखेंगे हम बच्चों की किस प्रकार से हम संख्या के साथ जोड़ कर सकते हैं तथा संख्या का घटाव कर सकते हैं बच्चों तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे अभी तक आपने क्या पढ़ लिया उसका रिवाइज करते हैं जैसे कि हमने ये देखा आपने पिछले वीडियो में ये देखा कि संख्याओं के साथ अधिगम बिंदु जो हम इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे जैसे कि आपको पता है कि संख्याओं के जोड़ एवं घटाव स्थानीय मान की समझ का प्रयोग करके मतलब आपको स्थानीय मान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी जानकारी होनी जरूरी है मतलब यह कह सकते हैं कि क्या होता है स्थानीय मान बच्चों स्थानीय मान वो होता है जो संख्या के स्थान पर निर्भर करता है आपको अंक पूछा जा सकता है कि ये जो संख्या दे रखी है वो कौन से नंबर की है और ये इसका स्थानीय मान क्या होगा यहाँ तक बात समझ में आ गई फिर क्या करना है इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है जोड़ एवं घटाव करना है अभी तक आपने छोटी कक्षाओं में जो जोड़ एवं घटाव सीखे हैं बच्चों वो कैसे सीखे थे बिना हासिल के वाले जोड़ घटाव सीखेंगे और आज इस अध्याय में हम सीखेंगे जोड़ एवं हासिल का प्रयोग करके उसका जोड़ एवं घटाव करना तो बच्चों अभी तक आपने पिछली कक्षा के अध्ययन के अनुसार तीन संख्या के साथ जोड़ एवं घटाव का अभ्यास किया था जिसमें आप देख सकते हो कि हम अभ्यास प्रश्न दो पॉइंट एक के पांच प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं अब चलते हैं इससे आगे वाली संख्या पर संख्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर छह पर क्वेश्चन नंबर छ क्या दे रखा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर छह इस प्रकार से बच्चों कि आपको चार में से दो क्या करना है घटाना है क्या करना है चार में से दो क्या करना है घटाना माइनस घटाना तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इस इस संख्या को प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जिस संख्या संख्या में से घटाना है वो संख्या हम क्या कर सकते हैं ऊपर लिखते हैं चार में से घटाना है जिस संख्या में से घटाते हैं वो संख्या हम क्या कर सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं और जिस संख्या को आपको घटाना है विद्यार्थियों वो संख्या हम कहा लिख सकते हैं उसके नीचे लिखने लिख सकते हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि हमें संख्या कितनी घटानी है दो सौ छियानवे संख्या घटानी है अब आपको करना क्या है संख्या को घटाना तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप घटाव चिन्ह लगा सकते हो फिर उसको करना क्या है उसके बाद में हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको क्या करना है क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है यह है इकाई अंक उसके बाद में जो दूसरा अंक है वो क्या है दहाई का अंक और जो तीसरा अंक है वो क्या है सैकड़े का अंक इस प्रकार आप प्रत्येक अंकों को आसानी से समझ सकते हो सैकड़ा मतलब होता है विद्यार्थियों इस प्रकार इसलिए आप आप इसको कह सकते सकते हो हो 400 और इन दो अंकों की संख्या को तो आप आसानी से पढ़ आपको सब लोगों को छोटे से छोटे बच्चे को क्या होता है आसानी से गिनती आती है तो इन दो संख्या को तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आता है कि ये संख्या कितनी है अगर आपको एक से लेकर दो तक की गिनती आती है तो तो हम इस संख्या को किस प्रकार से बोल सकते हैं ये संख्या इस प्रकार से चार और उसमें से हमें करना क्या है दो सौ छियान क्या करना है घटाना है तो सबसे पहले इस संख्या का घटाव शुरू करने से पहले विद्यार्थियों आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या से घटाते हैं इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इकाई अंक की संख्या से इकाई अंक की संख्या को घटाते तो आप देख सकते हो कि इकाई का अंक दे रखा है बच्चों तीन और तीन में से हमें क्या करना है छह घटाना है तो प्यारा स्टूडेंट आप देख सकते हो कि हमारे पास हमने ये सीखा था कि हम किसी भी संख्या को घटाते हैं तो हमने ये ज्ञात किया कि आपको करना क्या है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी थी क्या करना था विद्यार्थियों आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी थी लेकिन यहां तो एक अलग ही बात है क्या है आपको छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है क्या यह घटाना संभव है नहीं घटाना संभव है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों इससे जो आगे वाली संख्या है दहाई अंक की संख्या दिखाई दे रही है जैसे कि आपको सात क्या कर सकते हैं दहाई अंक की संख्या दिखाई दे रही बच्चों हम उधार लेते हैं एक है कितना बन जाता है तो आपने क्या किया अभी तक इकाई अंक की संख्या छोटी थी इसके लिए क्या किया दहाई अंक की संख्या से एक अंक उधार ले लिया और बन गया तेरह कितना बन गया तेरा अब क्या कर सकते हो आप तेरा में से छह घटा सकते हो बिल्कुल घटा सकते हो क्योंकि विद्यार्थियों तेरा क्या है बड़ी संख्या है और छह क्या है छोटी संख्या हमने ये सीखा कि आपको करना क्या है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है घटाना है उस संख्या में से माइनस निकालना है तो बच्चों आप क्या करोगे जैसे ही आप तेरह अंकों में से छे अंक कम कर देते हो तो पीछे अंक कितने बचते हैं सात अंक बचते हैं कितने अंक बचते हैं या ये कह सकते हैं अगर आप तेरह में से छह घटाते हो तो आपको पीछे कितने शेष अंक प्राप्त प्राप्त होते है? प्राप्त होते हैं हैं सात और वो सात आप कहाँ लिख सकते हो इकाई अंक की संख्या के नीचे लिख सकते हो अभी तक हमने जो सॉल्व किया है वही काम करना है बच्चों तो सबसे पहले आपने क्या किया इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या से घटाया और आपको कितना प्राप्त हुआ सात प्राप्त हुआ फिर अब आपको करना क्या है दूसरे स्टेप में दहाई अंक की संख्या को दहाई अंक की संख्या से घटाना है दहाई अंक की संख्या क्या है विद्यार्थियों

सैकड़े के अंक से एक अंक उधार लेते हैं तो बन जाता है सोलह कितना बनता है विद्यार्थियों सोलह बन जाता है अब आप क्या कर सकते हो सोलह में से बच्चों नो घटा सकते हो जैसे ही आप सोलह में से नो घटाते हो बच्चों तो आपको शेष फल सात प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है सात प्राप्त होता है और वो आप सात कहाँ लिख सकते हो दहाई अंक की संख्या के नीचे लिख सकते हो अभी तक आपने क्या क्या है इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या से घटाया तथा दहाई अंक की संख्या को दहाई अंक की संख्या से घटाया दहाई अंक की संख्या सबसे पहले तीछे और छे में से आपको क्या करना था नो घटाना था जबकि छे अंक क्या था छोटा और नो अंक क्या था बड़ा इसके लिए हमने क्या किया सैकड़े के अंक से एक अंक उधार लिया और बन गया सोलह और सोलह में से हमने क्या किया नो घटाया जैसे ही सोलह में से नो घटाया विद्यार्थियों तो आपको सात प्राप्त हुआ और वो सात हमने कहा लिखा दहाई अंक की संख्या के नीचे लिख दिया इस प्रकार से अभी अभी तक तो हमने इकाई अंक की संख्या तथा दहाई अंक की संख्या को घटाया अब चलते हैं सैकड़े के अंक पर तीसरा चरण क्या दे रखा है सैकड़े का अंक सैकड़े का अंक दिखाई दे रहा है बच्चों चार जबकि वास्तविक अंक क्या है तीन क्या करना है तीन किस प्रकार से जब चार अंक था उसने क्या कर दिया दहाई अंक की संख्या को एक अंक उधार दे दिया इस वजह से इस कारण इसके पास में तीन अंक ही बचे अब क्या कर सकते हैं तीन में से हम दो घटाते हैं जैसे विद्यार्थियों आप तीन अंकों में से दो अंक घटा देते हो तो आपको पीछे एक अंक प्राप्त होता है शेष फल कितना प्राप्त होता है शेष एक प्राप्त होता है और वो आप कहा लिख सकते हो सैकड़े के अंक के नीचे लिख सकते हो इस प्रकार से अगर आप देखोगे चार सौ में से दो सौ घटाते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है 177 प्राप्त होता है वो 177 आप कहा लिख सकते हो इस क्वेश्चन नंबर छ के सामने लिख सकते हो तो बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को आसानी से घटा सकते हो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो अगर आप धैर्य रखकर किसी भी संख्या को आसानी से समझ कर प्रत्येक अंकों को आप घटाते हो तो आपको आप आसानी से घटा सकते हो तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात क्या दे रखा है विद्यार्थियों तीन सौ चौसठ में सबसे पहले आपको क्या करना है सड़सठ जोड़ना है तो सबसे पहले जो संख्या हमें पूछ रखी है वही हमें काम करना है आपको करना क्या है तीन सौ चौसठ में क्या करना है सड़सठ जोड़ना है आपको ठीक है विद्यार्थियों तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं हम किसी भी संख्या को जोड़ने से पहले काम किस का तरफ से शुरू करते हैं जोड़ने का बच्चों दाइनी तरफ से शुरू करते हैं तो सबसे पहले इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या के साथ जोड़ते हैं बच्चों साथ में अगर आप चार जोड़ोगे साथ में अगर आप चार जोड़ते हो तो प्राप्त होता है ग्यारह कितना प्राप्त होता है विद्यार्थियों प्राप्त होता है हमने क्या सीखा प्रत्येक अंकों में क्या करते हैं चाहे इकाई अंक हो चाहे दहाई अंक हम क्या कर सकते हैं एक अंक ही लेते हैं तो इसमें इकाई अंक क्या है बच्चों एक और जो दहाई का अंक बचा वो कहा चला जाएगा दहाई अंक की संख्या के ऊपर हासिल चला जाएगा अभी तक हमने क्या किया साथ में चार जोड़ा जैसे ही बच्चों साथ में आपने चार जोड़ा तो आपको ग्यारह प्राप्त हुआ और ग्यारह का आपने लिखा एक हासिल का एक कहाँ चला जाएगा दहाई अंक की संख्या पर चला गया फिर अब आप कर क्या सकते हो दहाई अंक की संख्या को दहाई अंक की संख्या के साथ जोड़ना है बच्चों तो विद्यार्थियों जैसे ही आप छे को छह से जोड़ते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है बारह और बारह में एक हासिल वाला और जोड़ते हो तो प्राप्त होता है तेरह कितना प्राप्त होता है तेरह प्राप्त होता है आप लिख सकते हो तेरह का तीन इकाई अंक लेना है तेरह का लिख सकते हो तीन और तेरह में जो दहाई का अंक है बच्चों एक वो कहाँ चला गया सैकड़े के अंक के ऊपर चला गया अभी तक हमने क्या किया इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या के साथ जोड़ा तथा दहाई अंक की संख्या को दहाई अंक की संख्या के साथ जोड़ा फिर क्या कर सकते हो आप तीन में एक जोड़ो के तो आपको प्राप्त होगा चार इस प्रकार आप देख सकते हो तीन सौ चौसठ में विद्यार्थियों अगर आप सड़सठ जोड़ते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है तीन सौ चार सौ इकतीस प्राप्त होता है अब आपको करना क्या है चार सौ इकतीस में से एक सौ निन्यानवे घटाना है क्या करना है एक सौ निन्यानवे घटाना यही आपके सामने दे रखा है तो आप किस प्रकार से घटा सकते हो सबसे पहले हम ये कह है सकते हैं कि जो संख्या दे रखी है आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ चार सौ इकतीस प्राप्त हुआ और चार सौ इकतीस में से आपको करना क्या है एक सौ निन्यानवे घटाना है विद्यार्थियों तो हम आसानी से घटा सकते हैं सबसे पहले इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या से घटा सकते हैं इकाई का अंक दे रखा है, है। विद्यार्थियों नो और नो में से आपको करना क्या है नो घटाना है एक में से नो घटाना क्या घटाना संभव है विद्यार्थियों नहीं घटा सकते इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दहाई अंक संख्या से एक अंक उधार लेते हैं तीन से एक अंक उधार लिया तो कितना बन गया विद्यार्थियों ग्यारह बन गया और अब आप कर क्या सकते हो ग्यारह में से नो घटा सकते हो तो जैसे ही आप ग्यारह में से नो घटाते हो तो आपको शेष दो प्राप्त होते हैं कितने प्राप्त होते हैं दो प्राप्त होते हैं और वो दो आप कहाँ लिख सकते हो इकाई अंक की संख्या के नीचे लिख सकते हो अभी तक हमने क्या किया है एक में से हमें नो घटाना था इसलिए हमने क्या किया दहाई अंक की संख्या से एक अंक उधार लिया और एक को क्या बनाया ग्यारह बना दिया और ग्यारह में से आपने क्या किया नो घटाया जैसे ही आप ग्यारह में से नो घटाते हो जैसे ही आप ग्यारह में से नो घटाते हो तो आपको दो प्राप्त हुआ था और वो आप दो आप कहाँ लिख सकते हो इकाई अंक की संख्या के नीचे लिख सकते हो फिर आप क्या कर सकते हो दहाई अंक की संख्या को घटाना और दहाई का अंक दे रखा है विद्यार्थियों जबकि वास्तविक अंक क्या है अंक तो दे रखा है बच्चों तीन जबकि वास्तविक अंक क्या है दो किस प्रकार से इसके पास में था अंक तीन इसने क्या किया पीछे वाली संख्या को एक अंक उधार दे दिया जैसे ही इसने एक अंक उधार दिया तो अब तो इसके पास में अंक बचे दो और दो में से आपको क्या करना है घटाना क्या दो में से नो घटाया जा सकता नहीं घटाया जा सकता क्योंकि दो अंक क्या है छोटा है तथा नो अंक क्या है बड़ा है दो को बड़ा बनाने के के लिए क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों हम सैकड़े अंक से एक अंक उधार लेते हैं और इसे बना देते हैं क्या बारह बना देते हैं अब तो बच्चों आप घटा सकते हो जैसे ही आप बारह में से नो घटाते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है तीन प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है विद्यार्थियों तीन प्राप्त होता है और वो आप तीन कहा लिख सकते हो दहाई अंक की संख्या के नीचे लिख सकते हो फिर हमें क्या करना है सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक से घटाना सैकड़े का अंक क्या, क्या दे रखा है बच्चों सैकड़े का अंक आप देख सकते हो दे रखा है तीन आपको वास्तविक अंक दिखाई दे रहा है चार जबकि वास्तविक अंक क्या है बच्चों तीन तीन में से आपको क्या करना है एक अंक घटाना जैसे ही आप तीन में से एक अंक घटाते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है दो प्राप्त होता है और वो दो आप कहा लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर सेंकड़े के अंक के नीचे लिख सकते हो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो बच्चों किसी भी संख्या को जोड़कर उसको तो जो आपको पूछ रहा है वो संख्या आपको बतानी है जैसे बच्चों इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे उसके बाद में अगर आप एक सौ निन्यानवे से माइनस निकालते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है दो प्राप्त होता है कितना प्राप्त हुआ दो प्राप्त बत्तीस प्राप्त हुआ इस प्रकार आप किसी भी संख्या को आसानी से घटा सकते हो जोड़ सकते हो अब आपको करना क्या है क्वेश्चन नंबर पांच और छह और सात हमने कर लिया इससे आगे क्या करना है क्वेश्चन नंबर आठ क्या करना है क्वेश्चन नंबर आठ नो आठ और नो आपको क्या करना है बच्चों स्वयं करना है गृह कार्य के रूप में तो बच्चों हम क्या सीख रहे हैं अभी तक संख्याओं के जोड़ एवं घटाव सीख रहे हैं अभी तक हमने सात प्रश्नों का अभ्यास किया है क्वेश्चन नंबर आठ और नौ आपको स्वयं करना है तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही बाकी मिलते हैं कल तब तक के लिए धन्यवाद